अभी इधर से चले जाएगा, उधर से ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन आप डिस्टर्ब फ्री हुए जी बाल बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इनको रिप्लाई करने लगा था, वो आपको वीडियो चल गई। अच्छा बहरहाल इनको मैं रिप्लाई कर देता हूँ। आपको बताया मैं ज़्यादातर भाइयों को मैं ये नहीं बोलता कि सॉरी ये जो मैं कर रहा था। अच्छा मैं सॉरी 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 यार फिर अटक रहा हूँ। अच्छा बात बेसिकली मैं ये करने लगा था कि मेरा बात करने का मकसद हरगज़ ये नहीं है कि भाई सऊदीया में मेरा नंबर बहुत वायरल है और मैं बहुत बड़ा एजेंट हूँ और मैं ये काम करवा दूँगा वो करवा दूँगा। नहीं, जो काम होता है वो कर लेते हैं, जो नहीं होता आगे वाले बंदे से सॉरी कर लेते हैं। हाँ उसमें खर्चा मर्चा जारी सी बात आपको पता है, यहाँ किसी भी काम के सिलसिले में आप निकलेंगे तो वो तो होगा ही। वो मिसाल के तौर पर आप किसी का कोई पेपर वगैरह भी अगर निकलवाते हैं चेक करवाते हैं तो उसके ऊपर भी जो खर्चा होता है। आप मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मैंने लास्ट टाइम एक भाई का जवाजात के बाहर एक पाकिस्तानी से बाकायदा एक खरूज का पेपर निकलवा कर उनको दिया था, 120 हज़ार उसने लिए थे हमसे। और अभी वही पेपर हम निकलवा रहे हैं आगे से बात करके 100 रियाल में, और खरूज के पेपर की बात कर रहा हूँ मैं, और उसमें भाई हमारा भी मार्जिन है। तो हर बंदा यार बेसिकली ये बताने का मकसद ये था कि हर बंदा कमाई के लिए बैठा हुआ है। चलते हैं जी आज की न्यूज़ खबर के मतलब, तमाम दोस्तों के लिए, तमाम गैर मुल्कियों के लिए है जी। इस ये वैसे मुझे बहुत अजीब लगा, अजीब इसलिए लगा कि यार इतनी सी बात के ऊपर इतना बड़ा जुर्माना 26,000 रियाल का। अच्छा हुआ कुछ यूँ, मैं आपको किस्सा सुना दूँ, और ये बाकायदा वजारत दाखिलिया यानी कि मकतब अमल की तरफ से आप बोल रहे हैं, वजारत दाखिलिया की तरफ से बोल रहे हैं, वजारत अदल की तरफ से बोल रहे हैं, ये उनकी तरफ से कन्फर्म न्यूज़ है, इसमें कोई किसी किस्म की ये किस्सा कहानी नहीं है। अच्छा बहरहाल हुआ माजरा कुछ यूँ हुआ है जी के दोस्त थे आपस में गैर मुल्की, एक रूम में जैसे कि हम रहते हैं सभी, और किसी चीज़ के ऊपर बहस हुई और मामला हाथापाई तक पहुंचा। तो वो एक भाई का ना उसके पास आईफोन मोबाइल था, तो अभी ये नहीं वादा कि यार आईफोन 14 था 15 था या 16 था, 14 या 15 होगा। तो वो उनके मोबाइल को भी थोड़ा मसला बना, लेकिन डैमेज नहीं हुआ है, क्योंकि ग्लास वगैरह टूटा होगा कोई, और जो कि आम आपको पता है 5-10 रियाल में लग जाता है बेहतरीन किस्म का। अच्छा बहरहाल उसके बाद उस बंदे ने आगे से उसको रोका है, उसने एक मुक्का जड़ दिया उसके चेहरे के ऊपर बंदे उस लड़के के, जब मुक्का जड़ दिया वो जारी सी बात है उसके नील वगैरह पड़ गया जहाँ पर लगा था। उसने बोला यार ये तो गलत किया तूने, वो वैसे ही उठा है भाई, उसने अपना मोबाइल भी पकड़ा है और शुरता खाना नीचे कोई भी शुरता उसको मिल गया या शुरता खाना चला गया। उसने जाकर बोला है जी कि ये मेरे रूम में एक फला बंदा है, उसने मेरे ऊपर ये हाथ भी उठाया, मुक्का मारा है, मुझे घूंसा मारा है, निशान है देख लें आप, और ये मेरा मोबाइल भी डैमेज हुआ है, तो आप मेहरबानी करें और उसको गिरफ्तार करें, और इस मुक्के की वजह से मैं अभी 15 से 20 दिन काम के ऊपर भी नहीं जा सकता जितनी मुझे तकलीफ़ है, तो लिहाजा मेरा 20,000 रियाल जो है ना वो बनता है वो मुझे दे। बात तो ही ना भाई 20,000 रियाल। अच्छा बहरहाल काजी के पास केस लग गया जी, काजी ने जब बात सुनी दोनों की, काजी ने भी अब बोला भी हाँ भी तूने इसके ऊपर हाथ उठाया मुक्का मारा, उसने बोला जी मैंने मारा है गलती हुई है मुझसे मैं माफ़ी चाहता हूँ, उसने बोला माफ़ी उसने देनी है मैंने तो नहीं देनी है, उसने बोला नहीं जी मैं पैसे लूँगा माफ़ी नहीं करूँगा। अच्छा हर बंदे की अपनी मर्जी है जी, उसने जारी से बात एक घूंसा खाया, लेकिन एक घूंसा भाई 26,000 में जैसा वीडियो को स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया ऐसे नहीं होता है। अच्छा एक घूसा 26,000 रियाल में। अच्छा बहरहाल जी काजी ने जब फैसला सुनाया, काजी ने बोला भी ठीक है 20,000 रियाल तुमको ग्राम है, तुमने इसके मोबाइल को भी डैमेज किया और इसके जो मुक्का मारा है ठीक है। नंबर दो, साथ में 6,000 रियाल का अदालत की तरफ से तेरे ऊपर ग्राम है कि तूने ये हाथ उठाया क्यों, कैसी बात है 26 हो गया। नंबर तीन, जो उस बंदे ने शुरते से रजू किया है वकील वगैरह जो भी मामला, तो उसके जितना भी खर्चा हुआ है वो भी सारे तू पे करेगा। तीसरी बात ठीक है, यानी कि उस बंदे को तकरीबन भाई 26-27-28 हज़ार रियाल में वो एक मुक्का मारना पड़ गया। तो बात करने का सिर्फ मकसद ये था परदेशियों के साथ, आप दोस्तों के साथ, कि यार दोस्तों के साथ गपशप ज़रूर रखें लेकिन हाथापाई या गालम गलोच भी मत कीजिएगा, ये सऊदी अरेबिया है भाई, यहाँ कुछ भी हो सकता है।